हेलो जी, पिछली वीडियो में आई नो कि तुम लोगों को मजा कम आया। वो ऐसा है क्योंकि यार मैं शिफ्ट कर रहा था, मैं आ रहा था इंदौर। एक 21 साल का लड़का अपना घर परिवार और प्यार, आई नो थोड़ा सा ड्रामेटिक हो रहा है, ये सब कुछ छोड़ के आ चुका है एक नए शहर, क्यों? रेवोल्यूशन लाने के लिए। हेलो जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल क्रेजी दीप पे, इंडिया का बेस्ट कॉमेंट्री चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी व्लॉग्स पे। कॉन्टेक्स्ट क्या है प्रेगनेंसी ब्लॉग का, तू बता मेरी जान। कॉन्टेक्स्ट यहाँ है। हेलो क्यूटीज, नमस्ते। मैं एक वाइफ हूँ जो प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पति एक इंडियन ब्लॉगर हैं। आज से 4 महीने पहले उनका चैनल डेड हो गया और पता नहीं क्यों अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अब तुम बच्चे ही क्यों ना हो पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम्हें भी पता है कि आज से 9 महीने बाद क्या आने वाला है। क्या आने वाला है? हाँ, गोल्डन प्ले बटन। लास्ट जोक को सुन के तुम लोग शायद यही सोच रहे होगे कि यार लोग कितने गिर गए ना, व्यूज के लिए अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर देते हैं। चलो मान लिया कि व्यूज के लिए अगर नहीं करते तो प्रेग्नेंट होते ही ये डेली व्लॉगर्स में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं। और चलो मान लिया कि प्रेग्नेंट होने के बाद ही इनमें अक्कल आती है कि डेली व्लॉग्स करते हैं, तो थंबनेल के ऊपर ऐसे टांगे चोरी करके ये सब हरकतें क्यों करते हैं? ऊपर वाला ना करे, लेकिन किसी दिन पुराने शो की क्लाइमेक्स की तरह कि एक प्रेग्नेंट औरत सोफे से गिर जाए, बैकग्राउंड में धूम दाना ना 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 दे रहे ना दे रहे ना बजना चालू हो जाए और डॉक्टर बोल दे, मिस्टर दीप सॉरी टू से पर या तो हम आपकी बीवी को बचा सकते हैं या फिर आपके बच्चे को। उसके बाद ब्लॉगर ना यार बहुत परेशान हो गया कि वो किसको बचाए, अपनी बीवी को या बच्चे को। वो सोचता रहा और एंड में उसने एक फैसला लिया। आप कंटेंट बचा लो, मतलब बच्चा बचा लो। देखो ऐसा है ना कि आप ही सोचो कि एक ब्लॉगर है जो अपने बच्चे को अवेयरता है, उस बच्चे की माँ ही नहीं है। अरे सोचो कितनी सिंपैथी और कितना व्यूज मिलेगा। मतलब वो घूमता है सुबह सुबह पेट के अंदर क्या? एक बूंद भी वेस्ट नहीं होने दिया, एक बूंद थी जो पी गया। देखो मैं ये नहीं कहता कि यार बच्चों पे या प्रेगनेंसी पे वीडियो बनाना गलत है, पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो तुम खाना खाते हुए टीवी देख रहे हो और खाते खाते तुम्हारी मम्मी भी पास में और तुम ब्लॉग देख रहे हो जो कि फैमिली फ्रेंडली है, लेकिन उसके अंदर एक अंकल मतलब एक हस्बैंड उसकी वाइफ का दूध पी के टेस्ट बता रहा है, नहीं काफी फैमिली फ्रेंडली नहीं हो जाएगा? निकाला है मशीन से। माय पॉइंट इज इफ यू थिंक कि आपके व्लॉग बनाने से दूसरी जो प्रेग्नेंट महिला है या कपल से उनको हेल्प मिलेगी तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम फिर कंटेंट बनाने के चक्कर में बेशर्मी तो मत करो। और बड़ी बात ये नहीं है कि प्रेगनेंसी जो ब्लॉग्स है वो बड़े बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी ब्लॉग्स बच्चे बना रहे हैं। यार अब तुम लोग सोचोगे कि भाई बच्चे जो हैं वो प्रेगनेंसी ब्लॉग्स कैसे बनाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस पूरे ब्लॉग पे और वीडियो को मतलब एंड तक देखिएगा। और हाँ, इन ब्लॉग्स के अंदर मेरा बेशर्मी से मतलब ये है, आज अच्छे से करेंगे। क्या अच्छे से करेंगे? अबे लोडू देखो, तो वैसे भी झाट कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत तो रख ले। वो तेरी वाइफ है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको थंबनेल में यूज कर रहा है व्यूज के लिए। छूटिए, जब से मैंने इनके ब्लॉग चैनल देखे हैं मैंने संदीप महेश्वरी और मोटिवेशनल चैनल को देखना बंद कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यार यही है। मतलब सोचो कि अगर ऐसे ब्लॉग्स डालने के बाद लोगों के मिलियन में व्यूज आ रहे हैं तो एक ना एक दिन मेरा तो कुछ हो ही जाएगा। फ्लाइंग बीस्ट मुंबईकर निखिल और सौरव जोशी, ये तीनों काफी बड़े व्लॉगर्स हैं और इनके वीडियोस के अंदर भी बच्चे दिखाए जाते हैं, ऑब्वियसली इनकी फैमिली का पार्ट है, ये फैमिली व्लॉगर से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनसे इंस्पायर्ड होके, क्योंकि इनके प्रेगनेंसी के टाइम्स या जब बच्चे हुए तो इनको बहुत ज्यादा व्यूज मिले, तो इनसे इंस्पायर्ड होके ऐसे बहुत सारे चैनल बने जिनका मेन कॉन्टेंट ही प्रेगनेंसी के अराउंड रह गया। वो लोग अब दूसरे ब्लॉग्स नहीं सिर्फ प्रेगनेंसी को ही मिल्क करते रह गए। चलो 2-3 वीडियो तक ठीक लगता है कि हाँ बच्चा होने वाला है, लेकिन अपने चैनल को डेडिकेटेड उस प्रेगनेंसी के अंदर ही डाल देना, सारे वीडियो के अंदर बस बच्चों का ही जिक्र होना, प्रेगनेंसी का ही जिक्र होना, ये सब शुरू हो गया। और इन चवन्नी छाप प्रेगनेंसी ब्लॉगर से इंस्पायर्ड होके अब बच्चों ने भी बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप बच्चों के ऊपर वीडियो मत बनाओ, ऑब्वियसली आपकी बीवी का पेट, आपका बच्चा, आपका कैमरा, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं आपके इन बच्चों को मिल्क करने से यूट्यूब पे, दूसरे ब्लॉगर्स पे और ऑब्वियसली
आपके खुद के बच्चे। वैसे ये वीडियो सभी व्लॉगर्स के लिए, लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस के बारे में। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो नाम है प्रिंस, ये घर वालों ने रखा है? क्योंकि अगर घर वालों ने रखा है तो शायद उनको प्रिंस का मतलब नहीं पता, पर अगर आपने खुद नहीं रखा है तो जो व्लॉगिंग है वो बैक कैमरे से करते हो क्या? मतलब फ्रंट कैमरे से शक्ल नहीं दिखती। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की जब भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो ये सबसे पहले क्लियरली कर देते हैं कि भैया हम तो ना व्यूज़ के लिए करते ही नहीं है, हमारा तो एम है कि कोई दूसरी प्रेग्नेंट औरत होगी तो उसकी मदद हो जाएगी हमारी वीडियोज, हमको व्यूज़ नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए सभी ऑडियंस और मिस्टर प्रिंस आपके लिए भी मैं बता दूँ कि ये सारा आपके वो वीडियो है जिसके अंदर टाइटल में बेबी या न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, और ये सारे वो वीडियो जिसके टाइटल में न्यू बॉर्न और बेबी है। जो व्यूज़ डिफरेंस है उसे सारी बात क्लियर अपने आप ही हो रही है। इनमें जो व्यूज़ डिफरेंस है ना, इन चीज़ों को देख के समझ में आ जाता है कि क्यों व्लॉगर्स हमेशा बच्चों के आसपास ही वीडियो बनाते हैं, चाहे वो पेट में रहे या पेट के बाहर। अब सिर्फ प्रेगनेंसी पे कि पेट में बच्चा है, इसी चीज़ के इनके चैनल पे 50 से 60 वीडियोस है। ऑब्वियसली जब 50 से 60 वीडियो बने हैं तो कैमरा जो है पेट के आसपास भी गया होगा, वाईफाई भी यूज़ हुआ होगा। अब इस वीडियो को बनाने के पहले अपन ने फुल रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद ही मैं ये पॉइंट बोलने वाला हूँ, ठीक है? द पॉइंट इज कि जब बेबी वोम्ब में होता है, मतलब पेट में होता है, तो वो प्रेग्नेंट लड़की अगर ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करेगी, एक्सेस यूज़ करेगी फ़ोन को, तो उसके बेबी को बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, मानसिक स्थिति पे उस बच्चे के फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, आपके तो अबाउट सेक्शन में ये लिखा हुआ है, ऑन दिस चैनल यू कैन लर्न ब्यूटी टिप, स्किन, हेयर केयर, हेल्थ। अगर आप ऑडियंस को ये सिखा रहे हो तो प्लीज मत सिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ये व्लॉगर्स व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि अब बेबी आने वाला है, व्यूज तो आएंगे, तो ये व्लॉगर्स हमेशा ऐसे हॉस्पिटल चुनते हैं जहाँ पे वाईफाई हो, जहाँ पे व्लॉगिंग अलाउ हो, है, ताकि इनका कॉन्टेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो जब आपको पता है कि वाईफाई, फ़ोन या ब्लूटूथ या एक्सरे मशीन्स, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इनसे जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है, ये आपके बेबी को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती है, इसके बावजूद भी आप उस टाइम पे जब बेबी आने वाला है उसके आसपास लोग जानबूझ के बना रहे थे। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों ब्लॉगर है जिनका बेबी आने वाला है, भाई कितनी एक्साइटमेंट होती है ना घर पे, कि सब खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, क्या होगा, टेंशन होती है। लेकिन ये चूतिए ब्लॉगर भाई उस टाइम पे भी ब्लॉगिंग कैमरा ऑन रखते हैं कि बेबी होएगा नहीं होएगा भाई, हैं, और अगले ही दिन आप सोचो अगले या एक दो दिन के अंदर ये लोग पूरा ब्लॉग बना के अपलोड कर देते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन है, पैसा आ रहा है। पर ये चीज़ नहीं सोचते कि भैया वो जो एंड्रॉइड फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे बेबी को कितना इफेक्ट पड़ सकता है। ये तो बात हो गई हेल्थ की, अब आती है बात सिक्योरिटी। अब ये वाला जो सेगमेंट है ये थोड़ा सा दिमाग खोल के समझना, एंड जो अपना पॉइंट है सिक्योरिटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब एक ब्लॉगर था जो डेली वीडियोस ब्लॉग्स अपलोड करता था। उस ब्लॉगर की आदत थी कि वो अपने बारे में सब कुछ इंटरनेट पे बता देता था कि आज मेरे घर पे क्या बना है, ये मेरा घर है अंदर से, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरा भाई रहता है, और वो अपने बारे में सब कुछ, लगभग सारी चीज़ें ब्लॉग्स में बता दिया करता था। अब उसके ब्लॉग्स लाखों लोग देखते थे। अब एक बार जो ब्लॉगर रहता है वो अपनी ऑडियंस को, मतलब ब्लॉग्स में बता देता है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली घर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। जब ब्लॉगर गांव जाता है तो उसके घर पे चोरी हो जाती है। अब मेरा सवाल इस स्टोरी के बाद उनसे ये है कि उन चोरों को पता कैसे चल गया कि ब्लॉगर के घर पे कोई नहीं है? जवाब सभी को पता है, पर सवाल ये है कि कंटेंट के नाम पे इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैमरे पे शेयर कर देना क्या सही है? लेकिन भैया ब्लॉगर का तो घर, आईफोन, कार, बाइक, ये बाद में आती है, पहले ब्लॉग आ जाता है इंटरनेट पे कि भैया मैं खरीद रहा हूँ। इनकी गेस्ट बाद में आती है, पहले पानी और कैमरा लेके आ जाते हैं कि हाँ भैया आने वाली है, रिकॉर्ड कर लूँ। कि मान लो कि एक ब्लॉगर है जो अपने वीडियोस के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर बताता है कि उसका बेटा या बेटी स्कूल में पढ़ता है, वो रोज उसको पिक करने जाता है, मतलब लेने जाता है, और ऑडियंस को, उसकी ऑडियंस को भी टाइमिंग पता है कि किस टाइम पे उसका बाप उसकी बेटी को लेने जाता है। अब पूरे इंटरनेट को, 10 करोड़ लोगों को पता है कि उसकी बेटी मुंह बोलने पे लाला ला करती है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, पर ऑडियंस को यह भी पता है कि उसकी बेटी को खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब तुम्हें छोड़ के 10 करोड़ लोगों को और भी पता है, और मान लो एक दिन तुम्हारी जगह कोई और बंदा उस लड़की को ले गया, भगवान ना करे पर ऐसा कुछ होता है,
तो उसका जवाबदार कौन? और यहाँ पे ना मैं श्योर हूँ कि कुछ बेशरम ब्लॉगर्स तो इस चीज पे भी वीडियो बना देंगे कि हमारी बेटी तो भैया घूम गई। पहले ये लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, पहले ये लोग ब्लॉग बनाएंगे, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करेंगे और फिर उस वीडियो को मोनेटाइज भी कर देंगे। इंटरनेट पे फैमिली फैमिली बोलने के पहले एक बात जान लो कि जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं उनके इंटेंशन आपको और आपकी फैमिली को लेके अच्छे ही हो, ये जरूरी नहीं है। इंटरनेट एक काफी नेगेटिव जगह है और यहाँ से आपका काफी लॉस भी हो सकता है, तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई मिसयूज ना कर ले, इस चीज का ध्यान रखो। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, तो जब वो पैदा हुई तो ऑपरेशन थिएटर में जो उसके ऊपर वाली लाइट थी वो काफी देर तक चालू रह गई और डॉक्टर की लापरवाही से वो लाइट सीधे उसकी रेटिना पे लगी और उसी वजह से आज उसकी आईसाइट खराब है, वो अपनी दोनों आंखों से ठीक से देख नहीं पाती। एक डॉक्टर की गलती की सजा वो अब पूरी जिंदगी भुगत है। अब सेम चीज अगर तुम नोटिस करोगे तो जब कोई बेबी होता है तो ये व्लॉगर्स रात में जब बेबी सो रहा है तो व्लॉग कैमरा लेके उसके पास घुस जाते हैं कि अरे बेबी सो रहा है, अरे बेबी ने टट्टी कर दी, अरे बेबी ने तो सुसु किया है, इसकी मम्मी साफ करे। अरे भैया कैमरा लेके जब उसके पास घुस रहे हो तो ये बात जान लो कि जब कैमरे का तुम फ्लैश चलाओगे तो जो 15 दिन या 1 महीने के अंदर के बेबीज होते हैं हो सकता है कि उस कैमरा की लाइट से उसकी आंखें खराब हो जाए, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो प्यूपिलरी फंक्शन होता है वो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है और इस फंक्शन का काम ये रहता है कि ये लाइट को रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट रेटिना के लिए आना सही है और नहीं, पर क्योंकि ये अभी डेवलप हो रहा होता है तो एकदम से ज़्यादा लाइट आना बेबी की रेटिना खराब कर सकता है, मतलब उसको काइंड ऑफ उसकी आँखें जो है खराब भी कर सकता है। दूसरा इशू कि जब आपका बेबी बड़ा हो जाएगा तो अब ये चीज़ तो तुम सब लौंडे भी मानोगे कि जब स्कूल टाइम होता है ना उस टाइम पे हमको अगर कोई कालिया बोल देता है, मोटा बोल देता है, हमको फ़र्क पड़ता है और हमको इतना फ़र्क पड़ता है कि हम लोग रोते हैं, हम लोग हर्ट हो जाते हैं, एक तरीके से कुछ लोग आपको बुली भी करते हैं। तो स्कूल के टाइम पे जब इनका बच्चा बड़ा हो जाएगा और इनको इनके क्लासमेट ऐसे बोलेंगे कि अबे तेरा बाप तो तेरी माँ का दूध पीता था, मैंने देखा ब्लॉग में, तो उस टाइम पे वो बच्चा बुली नहीं होगा। जब उसको बताया जाएगा कि हैं तेरा बाप तो तेरी टट्टी साफ कर रहा है, देखिए ब्लॉग देखा, तो क्या उसको फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब जो आप बेबी के बिना कंसर्न के, ऑब्वियसली वो छोटा सा बच्चा कैसे ही बोलेगा, उसके बिना कंसर्न के जो आप वीडियो या सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, अब मान लो कि बड़ा होके जो आपका बच्चा है वो शाय हो जाए, इंट्रोवर्ट हो जाए, उसको फेम पसंद ही नहीं है, उसको नहीं चाहिए कैमरा या फैंडम, तो क्या आपको पता है कि आपकी ये जो व्यूज की भूख है, ये जो आप वीडियो डाल रहे हो उस टाइम पे उस पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे? ये ब्लॉगर अपने बच्चे की जिंदगी खराब करे या उनके साथ कुछ भी करे, उनको शूट करे, ये इनकी मर्जी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? ऑब्वियसली जब पेट में बच्चा है, जब बेबी हो गया है और लोग वीडियोस बना रहे हैं कि देखो पीयूष ने टट्टी कर ली, गाइस वीडियो बना लेता हूँ, अरे हमारे बेटे ने सुसु करी है, गाइस आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, जब इस तरीके के वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो क्यों गांव का कोई बच्चा या कोई भी ब्लॉगर ये चीज़ ट्राई नहीं करना चाहेगा? ऐसे बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं जो बच्चे हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं और वो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं, वो लोग बेबी कर चुके हैं। मैंने खुद इस वीडियो को बनाने के पहले 3 ऐसे चैनल देखे हैं जिनकी उम्र 17-18 साल है, उनके बच्चे हो चुके हैं और वो लोग व्लॉग्स बना रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन उन व्लॉग्स को देखते हुए मेरे सामने सबसे घटिया चीज ही आई। थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हुआ तो फिर तो हम तभी ये समझ गए थे कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना ही मिसकैरेज होना। 18 की उम्र में एक लड़की के पेट में एक बच्चा मर जाना, मिसकैरेज होना और उसके बाद फिर एक और बेबी होना और उसके अराउंड वीडियो बनाना, तुम लोग सोच सकते हो कि कितना सीरियस है। इसकी उम्र तो 18 ही है, लेकिन अगर कोई लड़की बड़ी भी हो और मिसकैरेज होता है उसके बाद वुमेन बॉडी के ऊपर इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं ये अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो इस एज के अंदर इस लड़की का इतना सबसे गुजर जाना तुम्हें नॉर्मल लगता है? पॉइंट ये है कि जो बच्चे खुद ही मैच्योर नहीं है, जिनको खुद ही नहीं पता अपनी जिंदगी में क्या करना है, वो अब जो छोटा बच्चा हो चुका है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? इस बच्चे के आने वाले 10 साल जब इसको पढ़ाई करना था, एक अच्छा एनवायरमेंट मिलना था, अच्छी संगति मिलनी थी, वो ये माँ बाप कैमरे के सामने ला ला के व्यूज ले के बिगाड़ देंगे। और इसके बाद जब इनके गाँव वाले ये देखेंगे कि यार 2 बच्चों ने, नाबालिगों ने शादी कर ली, बच्चा कर लिया और अब YouTube नाम के ऐप से ये पैसा कमा रहे हैं वीडियो डाल के, तो तुम्हें नहीं लगता कि गांव के दूसरे बच्चे भी इंस्पायर्ड होंगे कि चलो यार अपन भी बच्चे कर लेते हैं, व्लॉगिंग करेंगे? और मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि गांव के लोग अगर ऐसी मेंटेलिटी, जो इनके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, तो और भी लोग इनको सपोर्ट करेंगे और ये सोशल मीडिया की देगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एट दी एंड मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से व्यूज के लिए अपने बच्चों को एक्सप्लोइट करना इंटरनेट पे प्लीज़ बंद कर दो। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिनको तुम व्यूज के लिए पूरे दिन कैमरे को ऊपर से नीचे नचा रहे हो। और हाँ भैया, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए
इस वीडियो का किसी पॉइंट प्रूव करने के लिए मैंने कोई नंगा बच्चा या कुछ भी नहीं दिखाया, कोई बच्चा ही नहीं दिखाया, क्योंकि अगर मैं बच्चा दिखा देता तो मुझमें और इन चीज़ों में फिर डिफरेंस ही क्या रह जाता। नहीं तो यार, बस इंदौर शहर से ही अपनी पहली वीडियो है। आई होप कि तुम लोगों को इस कंटेंट में मजा आया हो, और ऐसे ही कंटेंट लेके ना मैं बार बार आने वाला हूँ और ऐसी वीडियो बनाएंगे मस्त मस्त। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट तो करके बताओ कि कैसा लगा भैया है। और मैंने लोटस 365 के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करी है, तो लिंक होएगा नीचे, वहाँ पे जाओ डाउनलोड करो है। और चलो मैं चलता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @crazydeep07।